वो लोग ठीक नहीं जो किसी भी चतुराई के साथ ढीले शासन की वकालत करें, भले शब्द दूसरे रखें लेकिन उसका मोटिव ये हो कि थोड़ा ढीली ढाली व्यवस्था चले। नहीं, व्यवस्था शार्प होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। ढीली ढाली व्यवस्था नहीं चल सकती, उतना समय नहीं। तब भारत है बैलगाड़ी के युग में था तो समय था, चल रहा था खड़ामा खड़ामा। आज इतना समय कहाँ है कि इस तरह के प्रपंचों में हर साल रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी, रमजान आएगा, 10-10, 12-12 राज्यों में कर्फ्यू लगेगा, झंझट होगा, गोली चलेगी, ड्रामा चलता रहे। नहीं जी, हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली एक साल में, ये उससे बड़ी बीमारी है क्या? ये तो कोई बीमारी नहीं है। निगाह सीधी हो, मन में देश हो, उसके बाद कहां कौन जहांगीरपुरी और कहां हुबली, सब सीधा होगा, सब कुछ सीधा, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं मित्र, और सब राजी खुशी चलेंगे, सब राजी खुशी चलेंगे। कुछ बहुत ज्यादा इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। देश अपनी ऊर्जा विकास में लगाए, नौजवान पढ़ने में लगाए, गोली तमंचा चला के क्या करेगा वो? रोहंगिया है नहीं है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन गरीब है, सुबह खाए तो शाम को खाने को पैसा नहीं, तमंचा चला रहा है, अम्मा से रुपया पैसा छीन छान के है, अंगूठी और घड़ी पहने और वो चेन पहन बनवा ली, वो पहन ली और दे दवा दब, दे दवा दब है। क्रांतिकारी बनेगा? जमानत के पैसे नहीं मिलेंगे, घर में फाके हो जाएंगे, क्रांतिकारी बनने घूम रहे हैं? सख्ती होनी चाहिए, ऐसी सख्ती होनी चाहिए जो नजीर बने। चाणक्य ने कहा कि श्रेष्ठ नीति वो जिसमें पुरस्कार और दंड दोनों की गूंज दूर तक जाए, दंड दे उसका भी गूंज दूर तक हो। और भारत में तो बड़ी पुरानी मसल है कि भाई रूह कांप जाए, इधर वाले हो उधर वाले हो उसको फर्क नहीं, अभद्रता स्वीकार नहीं होनी चाहिए भारत को, और बाकी किसी नाम पर स्वीकार कर भी लेंगे नाली के झगड़े में, धर्म के नाम पर नहीं करेंगे। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने, धर्म को गली मोहल्ले में उछालते घूम रहे हो, लुच्चे लफंगे धर्म को के संरक्षक बने घूम रहे हैं मुल्क में। अरे डूब मरना चाहिए हम लोगों को जिनको धर्म का ABCD नहीं पता। रविंद्र, सहमत हूं। वेद नहीं जाने, पुराण नहीं जाने, स्मृति नहीं जाने, उपनिषद नहीं जाने, कुरान नहीं जाने, आयत नहीं जाने, वो लोग सितारे हिंद को घूम रहे हैं, वो हिंदू तो बचाएंगे और ये वो इस्लाम बचाएंगे। अरे भाई साहब, 10 रुपया नीचे पड़ा मिल जाएगा तो चुपके से जेब में रख लोगे हैं, और ऐसे जलूस में मोबाइल भी चुरा लोगे दूसरे का, और बता रहे हो धर्म बचाने आए। इनके साथ कोई मुरब्बत नहीं, ठीक ना? मैं तो उस लड़के को देख रहा था कैसे ड्रामा करता हुआ जा रहा था। आप भारत के मुंह पर थूक रहे हैं क्या? और अगर आप भारत के मुंह पर थूक रहे हैं, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, तो ये थूकना महंगा पड़ेगा, भाजपा रहे नहीं रहे, मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के मुंह पर थूकने की कोशिश करता है। जयंत चौधरी हैं, कल चरण सिंह थे, परसों अजीत सिंह साहब थे, आज जयंत हैं, पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भारत तो रहेगा, भारत माता का मान रहना चाहिए, इस भाव से लड़का जा रहा था। मैं देखा कई बार, रिमाइंड करके देखा, लग रहा था जिसे भगत सिंह की तरह वहां लंदन की असेंबली में बम फेंक के आया है, देसी तमंचे से 4-6 फायर ठोके थे। कोई बड़ा क्रांतिकारी काम करके आया था,
उसके पक्ष में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या, ये तरीका ठीक नहीं, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, बहुत हो गया, ये मान लो। दो बहुओं में जब नहीं पटती, रोज छुट्टियां खिंचाई होती तो भी समझदार सास ससुर कहते भाई अलग अलग रहो। दो बच्चों में नहीं पटती तो भी स्कूल क्लास में अलग अलग बैठते। आप अपने धार्मिक त्योहार अलग करिए, आप अलग करिए, माफ करिए, बहुत हो गया। गंगा जमुना, गंगा भी थक गई, जमुना भी थक गई, आप लोगों के ड्रामे से उन पर रहम कर दीजिए, हम पर ना करिए। रविंद्र कहेंगे भावुक भावुक ने, मैं पक गया। 75 साल से ड्रामा मुसलसल जारी है, मुसलसल। और कुछ बुनियादी चीजों को समझना होगा, ये भी जान लीजिए, इस देश में मैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर देश का एक मूल स्वभाव होता है, मूल चरित्र होता है, मूल चित्र होता है ना। शून्य से पैदा नहीं होता कोई ना देश, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अमेरिका में जाके आप क्राइस्ट को कुछ बोलकर आ सकते हैं, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है रविंद्र पटेल आपकी जानकारी के लिए, और हमसे बड़ा लोकतांत्रिक है। वो दिन भर मानवाधिकार मानवाधिकार चिल्लाता छत पर खड़े होकर, क्या वहां जाइए जरा, जितने बहादुर हो दो चार लोगों को भेजो और जरा क्राइस्ट को के बारे में कुछ आप शब्द कहकर आ जाइए। पाकिस्तान कल तक हमारे दिल का एक टुकड़ा था, हमारा हिस्सा था, हमारी देह का हिस्सा था, अलग बना क्या? वहां ईश निंदा का कानून बनाया है ना। मैं ये नहीं कहता कानून बने भारत में, लेकिन निंदा तो नहीं होनी चाहिए, अभद्रता तो नहीं होनी चाहिए। वहां क्या स्थिति है? ये जख्म है, ये जख्म भारत को सोने नहीं देंगे, इनका समाधान होना चाहिए, इनका उपचार होना चाहिए, देश तभी आगे बढ़ेगा, वरना मन में ये फांस बनी रहेंगी। बड़े बूढ़ों से जाके पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है। और मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा, आप दूसरे हो क्या? कितने लोग आए थे? अरे केरल और कश्मीर में सबसे पहले आए थे, कितने आए थे? 10-20-50-100। बाकी सब तो यहीं से, कुछ बाबर लाए, कुछ शक लाए, कुछ हूण लाए, कितने लाए होंगे? ऐसा हॉस्टाइल व्यवहार ठीक नहीं किसी का। जो भी देश के मानबिंदु है उनके प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बार अयोध्या के संदर्भ में मैंने कहा था रविंद्र भाई, उसकी बड़ी चर्चा हुई फिर देश दुनिया में। मैंने कहा मेरी बात काट दीजिएगा तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या मैंने कहा? जो स्थान क्रिश्चियनों के लिए वेटिकन सिटी का है, वेटिकन सिटी का, ठीक, गोवा के चर्च का नहीं, जो स्थान इस्लाम धर्मावलंबियों का मक्का मदीना का है उनकी दृष्टि में, सिखों के लिए जो स्थान स्वर्ण मंदिर है। हमने कहा था हिंदू अगर ये मानते हैं कि अयोध्या हमारे लिए वही है तो इस पर कोई जिरह करने का किसी को हक है क्या? इस देश में जिरह हुई 500 साल, 500 साल जिरह हुई, जिरह नहीं हुई, युद्ध हुआ, कुर्बानियां हुई, लोग मारे गए, क्या इतना नहीं सोचा जाना चाहिए? इतना तो सोचा जाना चाहिए ना। लेकिन समझाइश का समय बीत गया, मुझे लगता है अब सबसे आदर्श स्थिति है
आप भी भारत माँ की संतान हो, ये भी भारत माँ की संतान है, दो भुजाएं हैं, ऐसे नहीं रह सकते तो ऐसे ऐसे रहिए। ना आप शरीर से अलग हो सकते ना वो, सबकी जरूरत है, सबका सम्मान है, लेकिन ऐसे ऐसे रहिए। ऐसे रह के एक दूसरे को कमजोर करें और लड़ाई करें और झगड़ा करें और हिंसा करें और भारत माता के माथे पर चोट का निशान लगा जाए, ये हमको मंजूर नहीं। इसके लिए योगी मॉडल कहिए, मोदी मॉडल कहिए, जो मॉडल कहिए, और इससे सख्त मॉडल हो तो वो भी मॉडल हो, लेकिन भारत माता की प्रतिमा अक्षुण रहना चाहिए, उसका माथा गर्व से चमकता रहना चाहिए, उसका माथा चोटिल हो ये हमको स्वीकार नहीं हो सकता। भारत माता का माथा चोटिल हो जाए, कोई मां कभी खुश हो सकती है देखे कि ऐसे गोली चल रही है हमारे दो लड़कों के बीच में? कोई खुश होगी? तो ये मादरे वतन है, मादरे वतन आपको नहीं। जिन जिन को लगता है कि भाई नहीं हमारे ग्रीवांसेज हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विमर्श जारी रखिए, हिंसा की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, ना अल्पसंख्यक को ना बहुसंख्यक को, ना काले को ना गोरे को, ना छोटे को ना बड़े को, किसी को नहीं। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।